आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका फ़ोन हैंग कर रहा है या स्लो चल रहा है तो उसके स्पीड को कैसे नॉर्मल किया जाए, नया की तरह किया जाए। जब आप फ़ोन नया लेते हैं जिस तरह से चलता है उस तरह से कैसे किया जाए, आपके फ़ोन के परफॉर्मेंस को कैसे सुधारा जाए। सिंपली दो चीज़ें होती है जिसके कारण का फ़ोन डाउन हो जाता है, स्लो चलता है या हैंग हो जाता है। तो आपको मैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स या टिप्स जो भी कहिए मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आपका फ़ोन 100% आपके फ़ोन के परफॉर्मेंस में सुधार आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको प्ले स्टोर में चले जाना है। जी, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपको प्ले स्टोर में छिपी हुई है जिसके कारण आपका फ़ोन कभी कभार हैंग हो जाता है, अटक जाता है। आपको प्ले स्टोर में चले जाना है और ये लेफ्ट साइड के टॉप कॉर्नर में आप थ्री लाइन देख रहे होंगे, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको इसमें सेटिंग का ऑप्शन एक रहता है, इस पर सेटिंग के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और ये जो ऑटो अपडेट ऐप्स है इस पे आपको क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, इस पे लिखा हुआ है ओवर एनी नेटवर्क, मतलब कि आपका मोबाइल के डेटा पे ही आपको मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल हैं वो अपने आप अपडेट होते रहेंगे ओवर वाईफाई ओनली। मैं लगा के रखा हूँ ओवर वाईफाई ओनली, मतलब जब भी इसको वाईफाई मिलेगा ये सारे अब और जो ऐप है वो अपने आप अपडेट होते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें आपको करना क्या है, डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स पे आपको क्लिक कर देना है। इसका इस ऑप्शन का कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ता है दोस्तों। अगर आपको ऐप्स के बारे में जानकारी है, जैसे आप WhatsApp यूज करते हैं और WhatsApp को अपडेट करना चाहते हैं तो आप सिंपली प्ले स्टोर में जाइए और WhatsApp को मैनुअली अपडेट कीजिए, ना कि ये लगा के रखिए कि कोई भी नेटवर्क के आपका फ़ोन के जितने भी ऐप्स हैं, ब्राउजर हैं, फेसबुक है और भी जितने सारे ऐप हैं वो अपडेट नहीं हो। होता क्या है दोस्तों कि आपका फ़ोन रखा रहता है, आपको जानकारी भी नहीं होता है और बैकग्राउंड में वो ऐप अपडेट होता रहता है जिसके कारण आपका फ़ोन अटकने लगता है या हैंग करने लगता है। तो पर सबसे पहले आपको ये कर देना है डोंट ऑटो अपडेट्स, जिसके बैकग्राउंड में अपने आप ऐप्स अपडेट नहीं होंगे। और दूसरा जो सेटिंग करना है दोस्तों वो आपको करना है, उसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा। चलिए दोस्तों सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में जाने के बाद आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना है और डेवलपर ऑप्शन आपके अगर फ़ोन में नहीं आ रहा है तो उसके लिए आपको डेवलपर ऑप्शन के लिए करना क्या होता है, जैसे कि मेरा रेडमी का मोबाइल है, रेडमी 6 से डेवलपर ऑप्शन सभी अलग अलग मोबाइल में, सैमसंग में, लेनोवो में, मोटोरोला में, सब में अलग अलग सेटिंग्स रहती हैं। जैसे कि आपको मैं रेडमी 6 से मैं बता रहा हूँ, उसके लिए आपको एक सेकेंड दोस्तों, डेवलपर ऑप्शन के लिए आपको अबाउट फोन में जाना होगा। अबाउट फोन में मैं गया, उसके बाद मुझको MIUI वर्जन पर, MIUI वर्जन रहा है इस पर मुझको 7 बार क्लिक करना है। देखिए दोस्तों ये लिख रहा है यू आर नाउ अ डेवलपर। अब बैक करूँगा और उसके बाद एडिशनल सेटिंग में जाऊँगा। उसके बाद देखिए दोस्तों डेवलपर ऑप्शन लिख रहा है, डेवलपर ऑप्शन में जाऊँगा। आप अपने फ़ोन में देख लीजिएगा, आपके फ़ोन के हिसाब से आपके फ़ोन में कहाँ डेवलपर ऑप्शन आता है। उस फ़ोन में जाने के बाद आपको देख करना क्या है, नीचे आइए, आप नीचे आइए, नीचे आइए और नीचे आइए। और ये देखिए दोस्तों जो विंडो एनिमेशन स्केल है इस पर क्लिक कीजिए और ये जो एनिमेशन स्केल 1x है इसको आप ऑफ कर दीजिए। बारी बारी से ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल इसको भी आप ऑफ कर दीजिए। एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल है इसको भी आप ऑफ कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों मेरा फ़ोन कितना फास्ट हो गया है। अब मैं इसका होम बटन क्लिक करूँगा, देखिए 1 सेकेंड में क्लिक हो जाएगा। इसका ये बटन क्लिक करूँगा, 1 सेकेंड में कुछ भी आ जाएगा, इतना सारा रैम मेरा खर्च हो रहा है लेकिन तुरंत तुरंत सब खुलेगा दोस्तों। ये देखिए होम बटन क्लिक किया, तुरंत बैक हो गया। फिर से मैं मान के चलिए मैं मी वीडियो ओपन किया, अभी मी वीडियो ओपन हो गया। अब मैं इसको बैक करता हूँ, देखिए दोस्तों। अच्छा, ये डबल टैप बोल रहा था करने के लिए और मैं कर रहा था सिंगल, इसलिए बैक नहीं हो रहा था। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ फेसबुक ओपन करके, नहीं फेसबुक, चलिए वो फेसबुक ओपन करके दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। देखिए फेसबुक ओपन हो रहा है, मैं एक बार बैक क्लिक करूँगा। देखिए दोस्तों ये अच्छा डबल क्लिक इस पर भी